सृष्टि में सबसे ज्यादा समझदार प्राणी अगर कोई है तो वो इंसान है। इंसान में ही अच्छाई और बुराई को पहचानने की समझ होती है। कहा जाता है कि नेक, पुण्य, श्रेष्ठ और अच्छे काम करके इंसानी जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। इंसान होकर अगर अच्छाई की राह पर न चले तो हमारा इंसानी जीवन भी पशुओं की तरह हो जाएगा। ये इंसानी जीवन पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, इसलिए हमें अपने जीवन से जुड़े सभी कार्यों को सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में कभी भी अपने कर्मों को लेकर पछतावा ना हो। यह जीवन हम लोगों को मिला है एक अवसर, जिससे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं। यदि यह अवसर खो देते हैं फिर हम केवल पछताते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई भी काम इतना सोच कर समझ कर करना चाहिए कि कोई गलती ना हो। यदि कोई गलती हो जाती है तो फिर उसका हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके पछताने पर भी रिपेयर नहीं होगा, कोई रिपेयर नहीं। इसलिए काम करने के पहले गुरु की उपयोगिता यही होती है कि आपको अलर्ट रखता है कि हमारी जीवन सार्थकता है। भगवान गुरु की उपयोगिता इसलिए होती है कि वह परमात्मा दो हाथ आपको दिया है, दो हाथ दिया है उपकार करने के लिए। यदि आप दूसरे को उपकार न कर सको तो अपना तो उपकार कर लो। यदि अपना भी उपकार न कर सको तो उन हाथों से दूसरे पर कीचड़ मत फेंको, ईंटा मत फेंको, किसी को मारो पीटो मत, कष्ट मत दो। गुरु यही अलर्ट करता है। माना जाता है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसकी वे ख्वाहिश रखते हैं। वे ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भी उन्हीं मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े जिनका सामना उन लोगों को करना पड़ा था। हर माता पिता अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा करते करते वे उन बातों पर गौर नहीं कर पाते जिन पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरा करना और उनकी हर बात को मानना उन्हें ढीठ बना सकता है। बच्चों के पालन पोषण में करते समय उन पर इतना नियंत्रण रखो कि उनकी गलत महत्वाकांक्षी न बने। उनके गलत महत्वाकांक्षा के माँ बाप को पूर्ति नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, प्रताड़ित दंडित करना चाहिए गलत। यदि यह तुम नहीं करता है तब वह लड़का दुर्योधन बनेगा। एक बात समझ गया, दुर्योधन बनेगा। इसलिए संसर्गे गुण दोषा भवन। अब देखो संसर्ग में यह सन्यासी सपने में शादी किया, कुएं में गिरा। तो जो हो, इसीलिए अनिल जी भी कह रहे, पूछे आज हम इनसे, भाई शादी क्यों नहीं कर रहा, तो यही बता रहे थे कि हमारा मित्र एक सन्यासी कुआं में गिर गया था। इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं गुरु जी। तो खैर, इसलिए हम लोग को अपने बच्चे पर बचपन में ही उसके महत्वाकांक्षी पर गलत जिद करता है ना, अंकुश लगाना चाहिए। यदि अंकुश नहीं लगाया तो जो दुर्योधन बनेगा फिर तो जिंदगी में पछताएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। संगति का जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति व्यक्ति का मन व चित्त निर्मल करती है, उसकी प्रसन्नता बनी रहती है, दिन प्रतिदिन उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। संगति कैसी है इस बात से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। माना जाता है कि व्यक्ति की अच्छी संगति से उसका स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही उसका प्रभाव समाज व राष्ट्र पर भी गहरा पड़ता है। जहां अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा देती है, वहीं बुरी संगति से व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। आप अपने कितना ही बलवान हो, शक्ति हो, तपस्वी हो और आपको वरदान भी हो, लेकिन गलत संगत है तो कभी विजय नहीं प्राप्त होगा,
उचित समय पर आपका सब अस्त्र शस्त्र और तपस्या और वरदान भूल जाएगा और निहत्थे मारे जाओगे, जैसे कर्ण, केवल गलत संगत के चलते। महाभारत का दो बात सुन लिया। इसलिए हरदम अपने को अवलोकित करना चाहिए कि हमारा जो बाल बच्चा पल रहे हैं कहीं गलत जीत तो नहीं पकड़ रहा है, गलत जीत का हम उसका पोषण तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि पढ़ लिख भी गया, बहुत धनुर्धर हुआ, पढ़ लिख गया, विद्वान हुआ, आईएएस कर गया, आईपीएस करे, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, लेकिन गलत संगत तो नहीं पकड़ा है। कर्ण उस समय का सबसे बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति था, तपस्वी था, धनुर्धर था, लेकिन गलत पापी के साथ होने के कारण उसका सारा तपस्या निरर्थक गया। बहुत दानी था, सारा दान निरर्थक गया, और अवसर ठीक उचित समय पर सारा उसका वरदान भूल गया। कहा जाता है कि गुरु को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, शिष्य को तो वे स्वयं खोज लेते हैं। ज्ञान की तड़प एक दूसरे को नजदीक खींच लाती है। जैसे ही होनहार शिष्य मिलता है, गुरु का काम शुरू हो जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उचित मिट्टी तलाशता है, उसे छानता है, मथता है और फिर चाक पर चढ़ा उसे बर्तन का रूप दे देता है, ठीक वैसी ही स्थिति गुरु की है। वो शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाकर उसमें ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं और शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। गुरु को ईश्वर से ऊंचा दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है। यूं ही नहीं कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं, मैं पूजा किसकी करूं? तुम लोग पति देव है कहता कि नहीं हमारी करो। शंकर जी कहीं नहीं कह रहे हैं हमारी पूजा करो, कहते हैं स्कंद पुराण में है, कहे भी होंगे आप लोगों से, कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम। यह जो गुरु गीता आप लोग सुने हैं, यह शंकर जी के द्वारा कहा हुआ है, इसी पार्वती से प्रसंग में कहा हुआ है, स्कंद पुराण की यह है गुरु गीता। कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम, पार्वती पूजा तो गुरु की पैर की होती है, आपके गुरु जो है नारद है ना, वही पूजा हूं। फिर पूछती है कि तब पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान किसका करें? तब तो ध्यान शंकर जी का कहेगे ना। शंकर जी कहते हैं ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, ध्यान तो गुरु की मूर्ति की होती है। आप लोगों को मैंने बहुत बार कहा कि गुरु के साकार रूप का ध्यान करते करते निर्गुण निराकार को उपलब्ध हो जाओ। वह कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, कि अच्छा ध्यान भी गुरु की मूर्ति करें तो हाँ, तो मंत्र कौन सा जाप करें? शंकर जी फिर कहते हैं मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मंत्र जो गुरु कहता है वही करो। कहा अरे बाबा तो मुक्ति कैसे होगी? शंकर जी कहते हैं मुक्त मुक्ष मूलम गुरु कृपा, यह मुक्ति जो है गुरु की कृपा का फल है। ऐसे ही सुखमय गुरु उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।